सभी बागी क्लास के विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और लगातार आपको वीडियो दिए जा रहे हैं, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी, जिन जिन विषयों के सब्जेक्ट चल रहे हैं आपको बढ़िया तरीके से वीडियो दिए जा रहे हैं। तो कक्षा 12 और विषय भूगोल की बात कर रहे हैं हम, अध्याय हमारा दूसरा चल रहा है, 2 नंबर अध्याय चल रहा है और इस अध्याय का नाम है विश्व की जनजातियां। बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये अध्याय है और इसके अब तक हम 7 पार्ट पढ़ चुके हैं, दूसरे अध्याय के 7 पार्ट पढ़ चुके हैं और पार्ट नंबर 8 की बात कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पूरी एस्किमो जनजाति पढ़ ली, पूरी बुशमैन जनजाति पढ़ ली और अब लगातार हम पिछले 2-3 वीडियो से भील जनजाति पढ़ रहे हैं, जो खास करके गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाई जाती है और सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान में पाई जाती है, उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो अब हम उसके सारे क्षेत्र, वस्त्र कैसे हैं, आखेट कैसे करते हैं, भोजन कैसे हैं, उनका सारा पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे भीलों के निवास गृह, किस तरह के घरों में वो रहते हैं, किस तरह उनकी निवास स्थल की स्थिति है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो या तो छोटा आएगा या पूरा आएगा, भील जनजाति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तो आपको पॉइंट बना के सारे लिखने हैं, या आ जाएगा जैसे क्वेश्चन बना के दे देगा, एस्किमो, बुशमैन और भील जनजाति के निवास गृह के बारे में बताइए, उनके भोजन के बारे में बताइए, उनकी संस्कृति के बारे में बताइए, क्वेश्चन कैसे भी एग्जामिनर आपको दे सकता है। तो आप उसी हिसाब से पढ़ोगे, एक एक टॉपिक को पूरा क्लियर करोगे। तो हम बात कर रहे हैं भीलों के निवास गृह, घर प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं, प्रकीर्ण यानी अलग अलग आकृति के इनके घर होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए, ऐसे नहीं कि जैसे हमारा कमरा बना हुआ है तो उस कमरे का डिजाइन होता है, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग स्थिति की, अलग अलग टाइप के पीढ़ी होते हैं। झोपड़े टीले पर निर्मित होते हैं, खेतों के मध्य, खेत के मध्य झोपड़े टीले पर निर्मित होते हैं, ध्यान रखना ताकि कोई भी जल वगैरह कोई भी समस्या आए तो इन्हें दिक्कतें न हो। तो भीलों के निवास गृह घर प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं और झोपड़े टीले पर निर्मित होते हैं। इसके अलावा झोपड़ों में अन्न भंडारण व पशुओं के रखने की व्यवस्था भी होती है। देखो इतने बड़े बड़े झोपड़े इस टाइप के बनाए जाते हैं कि उसमें जो इन खेती करते हैं वो अन्न का भंडार भी रख सकते हैं और उनके पास जो पशु होते हैं, क्योंकि पशुओं को पालते हैं ना, गाय, बैल, भेड़, बकरी, ये लगभग चीजें इनके पास होती हैं, तो उनके रखने की भी इन झोपड़ों में क्या होती है, व्यवस्था होती है। ध्यान रखना ये छोटे छोटे पॉइंट है, आपको आराम से बढ़िया तरीके से पढ़नी है। फिर देखो इनकी जो घर है, घर घर की जो दीवारें हैं वो मिट्टी, पत्थर व बांस से बनी होती है। घर की दीवारें मिट्टी, पत्थर, क्योंकि मिट्टी मिल जाती है, पत्थर तो होता ही होता है, अरावली क्षेत्र है ना हमारा, बांस से, तथा छत है वो खपरेल से बनी होती है, छत है खपरेल से बनी होती है, जो छतें है ना ऊपर घर की छतें, वो ऊपर ये ताड़ पत्तों बांस है इन सबको मिक्स करके एक होता है उससे बनी होती है। इसकी खासियत होती है इसके अंदर से जल की एक बूंद भी नहीं जाती है, इससे बनी होती है। झोपड़ियों की सामने की दीवारें, जो झोपड़ी बनी होती है, मान लो ये झोपड़ी बनी है, इनकी सामने की दीवारें को गोबर, खड़िया, लाल गेरू रंग से लीप कर सजाई जाती थी। ठीक है, अलग अलग करते थे, सजावट भी रखते थे, ऐसे नहीं सीधी कर निकाल के सजावट थी। झोपड़ियों की सामने की दीवारों को गोबर से, खड़िया, लाल गेरू रंग से लिप कर सजाई जाती है। जैसे मान लो ये झोपड़ी बना दी मैंने, की यहाँ की दीवार है ना, जो यहाँ की बाहर की, इस दीवार पे जैसे अपने तो कोई स्वास्तिक चिन्ह लगा देते हैं, हाथ लगा देते हैं, शुभ लाभ लिख देते हैं, वैसे ही अपनी देवी देवताओं का और अपने वृक्षों का, जो भी पूजते हैं, अपने पशु का यहाँ पे चित्र बनाते हैं ताकि अच्छा लगना लगे। वर्तमान में पक्के मकानों का प्रचलन भी बढ़ रहा है, और वर्तमान में पक्के मकानों में रह रहे, ध्यान रखना पहले तो सिर्फ झोपड़े रहते, धीरे धीरे जिससे परिवर्तन होता गया ये पक्के मकान बनाकर भी रह रहे हैं। छोटे जो इनके गांव है, इनके समूह को फला कहते हैं, क्योंकि 5, 10, 20 जो घर हो गए उनका एक गांव बन जाता था छोटा सा, उसको क्या कहते थे, फला। जैसे आपको पता है ना हमारे गांव के अंदर कितने, जैसे हम गांव कहते हैं, बहुत सारे लोग एक जगह रहने लग जाते हैं, उसको हम गांव कहते हैं, उस गांव का नाम ये क्या कहते हैं, फला। उस गांव का नाम क्या है, फला उसे कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और जो बड़े गांव है, अब कई गांव के बड़े गांवों को
पाल कहते थे, जैसे हमारे गांव में तीन चार गांव मिलके एक ग्राम पंचायत होती है ना, उसमें एक ग्राम पंचायत का सरपंच होता है, उसी प्रकार छोटे गांव के समय को तो पला और बड़े गांव के क्या कहा जाता है, पाल कहती है। अब देखो इनके औजार व बर्तन कैसे है, औजार व बर्तन किस टाइप के है तो ध्यान रखना, एक तो ये लोग धनुष बाण का प्रयोग करते हैं, तलवार का प्रयोग करते हैं और खंजर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। खास करके उदाहरण में धनुष बाण, क्योंकि इन्हें जरूरत है, ये तीर कमान में तो पूरे निपुण होते हैं तो शिकार करने में काम आता है, तलवार और छोटा खंजर होता है ना वो भी प्रयोग करते हैं। बाण इनके दो प्रकार के होते हैं, बाण हरियो और रोगदो। हरियो और रोगदो का मतलब क्या हो गया, एक पे तो जो तीर होती है उस पे पत्थर का तीखा लगा होता है चिन्ह, और एक पे लोहे का लगा होता है, क्योंकि पीछे लकड़ी की तीर होती है और आगे जो नुकीली चीज होती है ना, ये कई जगह पत्थरों की और कई जगह लोहे की है। तो बाण दो प्रकार के होते हैं, एक तो हरियो और दूसरे रोगदे। पक्षियों को पकड़ने के लिए एक प्रकार का फंदा, पक्षियों को पकड़ने के लिए एक प्रकार का फंदा जिसे फटकिया कहा जाता है, जिसे फटकिया कहा जाता है। जो संपन्न भील होते थे, जिनके पास खूब पैसा होता था, वो बंदूकों का प्रयोग भी करने लगे। जो गरीब होता था वो तो तीर कमान तलवार रखते थे, और जो संपन्न भील है वो बंदूक रखते थे। समाज व संस्कृति कैसी है, पितर सतात्मक है, पिता की चलती है समाज, इनका पितर समाज है, और समाज है वो समूह में रहना ज्यादा पसंद करता है। और इनमें बहुत सारी प्रथाएं हैं, बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है, इनमें बहुपत्नी प्रथा का धारणा प्रचलन है, वो एक व्यक्ति एक से ज्यादा पत्नियां रख सकता है, समाज में रह सकता है किसी भी प्रकार से। कन्या का मूल्य चुकाना, ठीक है, यहाँ क्या होता था, जो परिवार होता था उसमें जब एक किसी लड़की की शादी होती थी तो बदले में जब कन्या ली जाती थी तो उस कन्या का मूल्य चुकाया जाता था। कौन सा, कि वो कन्या का पिता कह जाता था भी मेरे जो कन्या है उसकी आज से अब तक इतना पैसा लग चुका है, अगर कोई पढ़ाता था तो पढ़ाई पे खर्चा होता था, क्या क्या कुछ है सारा खर्चा करता था, और वो लड़का क्या करता था इस कन्या का मूल्य चुका कर फिर उस कन्या को लाता था, उसको इसमें क्या कहते हैं, दापा प्रथा कहा जाता है। कौन सी, दापा प्रथा। एक प्रथा होती है इनकी गोल गधेड़ो प्रथा, गोल गधेड़ो प्रथा कौन सी होती है, इसमें क्या करता है, जो सूरवीर युवक होता है, एक छोटा सा उत्सव किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा या जो अपनी पुत्री की शादी करना चाहता है, और वो अपनी पुत्री की शादी किससे करेगा, जो युवक सूरवीर होगा, ताकतवर होगा, वो लड़ेगा, जो योद्धा होगा उसी लड़की की, उसी लड़के के साथ उस लड़के की क्या की जाती है, शादी की जाती है। उसके अलावा देखिए और क्या क्या है भीलों के अंदर, इनकी समाज संस्कृति देखिए, इनकी समाज संस्कृति में एक खासियत देखिए कौन सी है, कि ये उत्सव मनाते हैं दीपावली, होली, होली और दीपावली खास करके उत्सव मनाते हैं, और उसमें घूमर नेचा गौरी नृत्य करते हैं, घूमर नेचा गौरी बहुत सारे नृत्य है, ये सारे नृत्य कौन करते हैं, होली के अवसर पर भीलों के द्वारा किए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं, लंबे समय तक होली के गीत गाए जाते हैं बहुत सारे, और रासलीला लक्ष्मी नारायण मंदिर में रासलीला भी करते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर में रासलीला का आयोजन होता है, ठीक है। होली में होली माता के गीत गाते हैं, होली माता के गीत गाए जाते हैं इनके द्वारा। इसके अलावा हमारे राजस्थान में जो डूंगरपुर जिले में सोम माही और जाखम नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम में इनका मेला लगता है, बेणेश्वर धाम पर मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का क्या कहा जाता है, कुंभ कहा जाता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ध्यान रखना ये बहुत ही, बेणेश्वर धाम जनवरी फरवरी में ये आयोजन होता है इसका, जनवरी और फरवरी में इसका आयोजन होता है। और भी कुछ बातें भीलों के हैं तो अगले वीडियो में हम सारी चर्चा करेंगे, उसमें किस प्रकार के रीति रिवाज और वगैरह, जैसे ये ढोल बजाकर सभी को इकट्ठा कर लेते हैं, ढोल बजाकर सभी को क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे इनका मेला लगता है डूंगरपुर में, और ये जब युद्ध भूमि में जाते हैं तो इनका नारा होता है फायरे 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 फायरे, उद्घोष करते हैं,
जब भी इन पे कोई संकट आ जाता है तो फायरे फायरे की आवाज देते हैं और सारे भीड़ क्या हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ये होगी। और आधुनिक संस्कृति से इनका क्या संबंध है? आधुनिक संस्कृति से संपर्क, या आपकी भील संस्कृति पूरी हो जाएगी तो इससे क्या संपर्क है कि आजकल बहुत सारे चतुर चलाक हो चुके हैं, आपको पता है, शहरी क्षेत्रों में आ चुके हैं, व्यापार व्यवसाय करने लग चुके हैं, अपनी वस्तुएं जंगलों से लाकर बाजार में बेचने लगे हैं। और आज की जो आधुनिकता है उसमें धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, सारी सुविधाएं इनको मिल रही है, बहुत परिवर्तन आ गए, शिक्षा चिकित्सालय संस्कृतालय सारा कुछ इनको मिलने लग गया। तो आज जैसे हमारी जिंदगी है, धीरे धीरे उस समाज में प्रगति कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये पूरी आपकी भील जनजाति होगी। तीन जातियां जनजातियां हमने पढ़ ली, कौन कौन सी? एस्किमो, बुशमैन और भील। इसको बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है। अगली हम अगले वीडियो में बात करेंगे गोंड जनजाति की।